गन्स ओवर बटर, मतलब इंडिया का एक बहुत हिस्सा ये भी बात कर रहा है कि भाई आपको इतनी जरूरत नहीं है जितना आप पैसा डिफेंस पे लगा रहे हैं, आप तो ओवरऑल को 50 अरब डॉलर से ऊपर चले जाते हैं, तो इतना क्या जरूरत है आपको कि आप इतना ज्यादा डिफेंस बजट रखने की। और अगर गांधी साहब की फलसफे पे चले तो वो तो आपको कभी ना कहते कि इतना करो, तो इतना डिफेंस बजट, ये गन्स ओवर बटर वाली बात किस हद तक सही है? गांधी साहब को मेरा नमस्कार है, बहुत ही गांधी साहब का मेरा मतलब है कि राहुल गांधी साहब को मेरा नमस्कार है, मैं सजदा करता हूं उनको, उनका उनका जो सोच है वो बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं कि हमें फौज की जरूरत ही नहीं है, हमारे किसान और जो मजदूर हैं यही अगर बॉर्डर पे खड़े जाए तो चाइना डर जाएगा। तो उन दोस्तों, बजट आने के बाद हमारे देश के मीडिया भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहा था कि किसको क्या मिला, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में सबसे ज़्यादा खौफ था रक्षा बजट को लेकर। जी हाँ, रक्षा बजट के बारे में कमर चीमा भी अपने शो में बातचीत कर रहे हैं। दानवीर साहब को बुलाया गया है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भारत को क्या ऐसी मजबूरी है, क्या ऐसी दिक्कत है, या आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी चुनौतियाँ आने वाली हैं। सबसे ज़्यादा जो उनकी नज़रें हैं वो रक्षा बजट पर है कि 50% रक्षा बजट क्यों रखा गया है। अब पाकिस्तान तो यही सोच सोच के डरा हुआ है कि भारत क्या करने वाला है। वैसे बात करें तो भारत का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, चाइना से है, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर लगता है और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जोरों शोरों से इसी बात पर चर्चा कर रहा है कि भारत ने रक्षा बजट इतना क्यों रखा है। वैसे अगर बात करें हमारे देश के विपक्ष की, तो हमारे देश में जो विपक्ष है वो लगातार बजट को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में हमारे बजट को लेकर कितनी चर्चा हो रही है वो आप देख सकते हैं। दानवीर साहब से ये सवाल पूछा जाता है कि 50% रक्षा बजट क्यों रखा गया है भारत की तरफ से। उसके बाद दानवीर साहब ने राहुल गांधी की भी याद दिला दी, क्योंकि उन्होंने गांधी की बात कही कि क्योंकि गांधी के अगर पद चिन्हों पर चल रहे हैं तो हमें सेना की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों यही कहा था कि हमें सेना की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे देश का जो किसान है, जो मजदूर है, अगर बॉर्डर पर खड़ा हो जाएगा तो चाइना डर जाएगा। मतलब मोटा मोटा ये कहना था कि राहुल गांधी सेना को कुछ नहीं समझते, मतलब हमारे देश में सेना जो है वो ऐसे ही है, उसका कोई काम ही नहीं है। कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वहाँ पर भी कभी सेना को महत्व दिया ही नहीं गया। 1962 में हमने देखा कि किस तरीके से नेहरू ने सेना को महत्व नहीं दिया, उनके डिसीजन उनको खुद लेने नहीं दिए, एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, और जिसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार की क्षति हमें हुई और बड़ा भूभाग चाइना को देना पड़ा। तो इन लोगों के जो कारनामे हैं वो तो इतिहास में हैं ही, लेकिन अभी भी राहुल गांधी इस तरीके के भाषण देकर फंस जाते हैं और दानवीर साहब भी राहुल गांधी की बातों को लेकर ही वो कमर चीमा से बातचीत कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें तो मोदी सरकार जब से आई है दुश्मनों के छक्के छूटे हुए हैं और रक्षा बजट को लेकर सबसे ज्यादा डर जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन चाइना भी इस बात से अछूता नहीं है। वो भी इस बात को ध्यान में रख रहा है कि भारत लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है चाइना के मुकाबले बड़ा बनता जा रहा है। बिकॉज आपने कल सब जो आपने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन डिफेंस बजट, इंडियन डिफेंस रिव्यू में, तो आपका टाइटल तो ये है कि इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द फोर्सेस एक्सपेक्टेशन। आप क्या समझते हैं इंडियन अफवाज की क्या एक्सपेक्टेशन थी जो उसको जो वो पूरा नहीं उतरा? देखिए, जब हम इंडियन डिफेंस बजट की बात करते हैं एज एन एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज और बहुत ही छोटे दायरे में देखते हैं, लेकिन जो कि हमें देखना नहीं चाहिए, हमें बड़े दायरे में देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि बात सिर्फ स्पेसिफिक डिफेंस की हो रही है कि डिफेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं और उसको क्या ये डिफेंस बजट मीट करता है या नहीं करता है, तो अगर इस हवाले से बात करें तो ये डिफेंस बजट बिल्कुल भी इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है। ये काफी एक्सपेक्टेशन के काफी बिलो द एक्सपेक्टेशंस है। क्योंकि देखिए, जब से ये चाइना वाला मसला शुरू हुआ है तब से हिंदुस्तान में टू फ्रंट वॉर की बातें चल रही हैं। पाकिस्तान के साथ में हमारी वैसे ही रिवायतन दुश्मनी है, चाइना के साथ में अलग है, दोनों चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनकी फौजों में बहुत अच्छी तालमेल है, पाकिस्तान इक्विपमेंट भी चाइना से खरीदता है, और आप ही के साथ एक बार प्रोग्राम भी किया था कि आपकी जो फजाइया है और जो चाइना की जो एयरफोर्स है इनके बीच में एक एक्सरसाइज भी हुई थी सिंध के अंदर JF-17 को लेकर, तो एक बहुत अच्छा पाकिस्तान का और चाइना का कोऑपरेशन है। और हमारे यहाँ पे बात होने लग गई थी कि अगर चाइना के साथ लड़ाई होती है तो टू फ्रंट वॉर का सामना हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर चाइना से लड़ाई होती है तो क्योंकि
पाकिस्तान फेयर ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना का, तो वो भी अपना जो हिसाब किताब है वो कश्मीर के अंदर सीधा करने की कोशिश कर सकता है। तो उस हवाले से उम्मीदें थी कि डिफेंस बजट में इजाफा होगा, और डिफेंस बजट इंडियन डिफेंस बजट जो है वो तीन हिस्सों में है बेसिकली। एक हमारा होता है डिफेंस एस्टीमेट, जिसको आमतौर पे हम डिफेंस बजट मोटा मोटी मानते हैं, फिर इसके अंदर एक पेंशन बजट होता है और एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सिविल पार्ट होता है। इन तीनों को जोड़कर एक डिफेंस बजट बनता है, जिसके जो फिगर है जो हम बात कर रहे थे कि 4,78,195 करोड़ का जो बजट है, तो लेकिन जो इसमें जो काम का जो बजट है वो डिफेंस एस्टिमेट्स के अंदर भी कैपिटल जो बजट होता है, जिससे कि फोर्स का मॉडर्नाइजेशन होता है, फोर्स की बढ़ोतरी होती है। अगर सिर्फ उतनी बात करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सिर्फ वहीं पर थी, जहां तक पे एंड अलाउंसेस राशन पानी का सवाल है वो तो मिल ही रहा है, ठीक ठाक मिल रहा है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसमें कोई इजाफे की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो इम्प्रूव हो। हमारे जो वाइस चीफ थे 2018 में शरद चांद, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी पार्लियामेंट्री कमिटी को, स्टैंडिंग कमिटी को, और उन्होंने बोला था कि 70% जो हमारा जो इक्विपमेंट है वो ऑब्सोलीट होने वाला है और हमें बहुत सख्त जरूरत है ज्यादा पैसे की, जिससे कि हम ये ऑब्सोलीट इक्विपमेंट को दोबारा से नया कर सके, ताजा कर सके, नए हथियार और नए इक्विपमेंट खरीद सके। तो उसको देखते हुए, शरद चांद की जो रिपोर्ट थी उसको देखते हुए, और ये चाइना के चलते ये टू फ्रंट वॉर की जो बातें जो हो रही हैं, इन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो ये जो हमारा डिफेंस बजट है ये बहुत बहुत कम मैं मानता हूँ, बहुत इसको लो लेवल पे मानता हूँ। और अगर इसको रियल टाइम में अगर इसको कैलकुलेट करा जाए तो तकरीबन कैपिटल आउटले अगर रिवाइज्ड एस्टीमेट से बात करी जाए, रिवाइज्ड एस्टीमेट हमारे आपके व्यूअर्स को समझाने के लिए कि साल के अंदर एक बजट होता है और फाइनेंशियल ईयर के आधे में एक बार रिव्यू करा जाता है कि यार हमारा खर्चा कितना हो गया, कितना नहीं हो गया, हमें क्या जरूरत है, मिड कोर्स करेक्शन जिसको बोलते हैं, रिवाइज एस्टीमेट होता है। तो रिवाइज एस्टीमेट से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं अभी के जो बजट एस्टीमेट्स हैं, तो ओनली 0.4% इंक्रीज हुआ है, ओनली 0.4%। वो बात और है कि राजनाथ सिंह ने भी कल ट्वीट किया कि भाई बहुत ही जबरदस्त जो है इजाफा हो गया है कैपिटल आउटले में, और तकरीबन 18% का, अगर मेरे को याद हो शायद उन्होंने यही कहा था कि 19% उन्होंने कहा था, सॉरी मेरे को रेफर फिगर्स में रेफर करना पड़ता, 19% का इजाफा हुआ है। लेकिन 19% का इजाफा बजट एस्टीमेट टू बजट एस्टीमेट हुआ है, लेकिन जो बीच में आपने जो मिड कोर्स करेक्शन किया है उसके लिहाज से देखें तो सिर्फ 0.4% इजाफा हुआ है। और ये हम कैसे मान लें कि अभी इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट और नहीं है, हमने सारी रिक्वायरमेंट को सेट कर लिया है और हमने जो जो करने वाला है काम वो हमने कर लिया है, तो ये मेरे को मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा हो गया है। और लेकिन फिर वही बात है कि आप या तो आप डिफेंस पे बहुत सारा पैसा खर्च कर दें तो बाकी जो शोबे हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, और अगर बाकी शोबे निगलेक्ट होते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। और चीमा साहब आप मानेंगे कि जब आपका इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक बेस स्ट्रांग होगा कंट्री का, तो डिफेंस भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप पाकिस्तान को अगर आप अच्छी तरह जानते हैं, उसके हिसाब से देखें तो डिफेंस बजट में बहुत ज्यादा जोर लग जाता है और उसके चलते एजुकेशन, हेल्थ और वो चीजें सफर कर जाती हैं। तो अगर इसको ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोदी जी ने बैलेंस करने की कोशिश करी है, लेकिन प्योरली डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करा जाए तो जैसा मैंने बताया कि ये एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। लेकिन कल सर जो मैं सवाल करना चाहता हूँ वो ये है, और मैं देख रहा था इंडिया टुडे को और बाकी जो अखबारें हैं वहां से भी देख रहा था, वो कह रहे हैं जी कि गन्स ओवर बटर, मतलब इंडिया का एक बहुत हिस्सा ये भी बात कर रहा है कि भाई आपको इतनी जरूरत नहीं है जितना पैसा डिफेंस पे लगा रहे हैं,
आप तो ओवरऑल को 50 अरब डॉलर से ऊपर चले जाते हैं, तो इतना क्या जरूरत है आपको कि आप इतना ज्यादा डिफेंस बजट रखने की। और अगर गांधी साहब के फलसफे पे चले तो वो तो आपको कभी ना कहते कि इतना करो, तो इतना डिफेंस बजट, ये गन्स ओवर बटर वाली बात किस हद तक सही है? गांधी साहब को मेरा नमस्कार है, बहुत ही गांधी साहब का मेरा मतलब है कि राहुल गांधी साहब को मेरा नमस्कार है, मैं सजदा करता हूं उनको। उनका उनका जो सोच है वो बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं कि हमें फौज की जरूरत ही नहीं है, हमारे किसान और जो मजदूर हैं यही अगर बॉर्डर पे खड़े जाए तो चाइना डर जाएगा। तो उन उन उनका जिक्र ना करें, मेरे को भी अपने अपनी काबिलियत पे और अपनी जो तजुर्बे पे शक पैदा हो जाता है और थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि यार जो काम मैं कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत पाटे खाऊं और मेरे जैसे काफी लोग पता नहीं क्या है, लेकिन वो तो राहुल गांधी साहब ने कहा है कि भाई वो तो मजदूर और किसान ही सारा काम कर देगा, चकदे फटे हो जाएंगे बॉर्डर पे। तो खैर उस चक्करों में ना जाए, लेकिन जहां तक गन्स और बटर का सवाल है, देखिए ये मुर्गी और अंडे की लड़ाई है। जो लोग डिफेंस के बारे में ज्यादा समझते नहीं हैं और उनको जानकारी नहीं है, उनको लगता है कि ये सब फजूल खर्ची है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और है चीमा साहब, कि हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हम हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मौजूदा हिंदुस्तान के अंदर, और पुराने हिंदुस्तान की भी बात कर लें, अंग्रेजों के जमाने के हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के आम लोगों ने लड़ाई नहीं देखी है। आखिरी लड़ाई जो देखी थी वो 1857 की लड़ाई देखी थी। लोगों ने लड़ाई बॉर्डरों पे देखी है, अखबार के जरिए देखी है, टेलीविजन के जरिए देखी और सुनी है, फोटो के जरिए देखी और सुनी है, तो उनको वो अंदाजा नहीं है। बॉलीवुड की पिक्चर देखकर और बल्ले बल्ले नारे लगाकर मुल्कों के दिफा नहीं किए जाते हैं, डिफेंस नहीं करी जाती है, उसके डायनेमिक्स अलग है। प्रोफेशनल्स पर इस चीज को छोड़ देना चाहिए। और ये जो बातें होती हैं कि किसान कर लेंगे और वो मजदूर खड़े हो जाएंगे, तो ये बातें सुनने में शायद कुछ लोगों को अच्छी लगती हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है चीमा साहब। और गन्स ओवर बटर में ये है कि अगर गन्स नहीं होंगी, आपकी दिफा नहीं होगी, तो बटर खाने वाले भी नहीं होंगे, वो कहीं मिट्टी में रुढ़ रहे होंगे और हाथों में चेने पड़ी होंगी और कहीं जेल में सड़ रहे होंगे। तो ये एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये बटर और गन्स वाली जो थ्योरी है, इसको मैं सिरे से नकारता हूं कि हमें गन्स की जरूरत नहीं है और बटर की ही जरूरत है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, हमें बटर की भी जरूरत है और गन्स की भी जरूरत है। बैलेंस जिसको बोलते हैं वो बहुत जरूरी है। यानी कि आपके कहने का ये है कि आपके पास गन्स होंगी तो बटर की प्रोटेक्शन कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल चीमा साहब, इसको मैं थोड़ा सा और, क्योंकि अब ये बात सीरियस वाली हो रही है। देखिए हमारा इशू ये इतना नहीं है कि इट इज नॉट इंडिया पाकिस्तान, और ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। चाइना एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और चाइना को सेंटर में रख के फिर पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन में आ जाता है। अगर चाइना को हटा दें तो पाकिस्तान की सिचुएशन वो नहीं है, ये आप भी समझेंगे। तो चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर चाइना को काउंटर करना है तो पाकिस्तान एक इशू है विच गेट्स काउंटर्ड इन दैट। हमको हमारा इतना लंबा चौड़ा मैरिटाइम फ्रंटियर है, पूरा इंडियन ओशन भी देखना है, आपने दूसरे के घर में आग भी बुझाने के लिए तैयार रहना है, आप सपने ले रहे हैं कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपकी बल्ले बल्ले हो, चाइना को वहां काउंटर किया जाए, तो ये बटर से नहीं हो सकता चीमा साहब। काउंटर इसके लिए आपको छुरी काटे की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए पैसा चाहिए, वो ऐसे नहीं होगा। तो हमारा जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्रिंट है, उसके जो बिल्कुल निशान है, ये मिडिल ईस्ट से लेकर और साउथ चाइना सी तक है। इसके अंदर बहुत बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारा खेल इन्वॉल्व है, तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना कई लोग इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं।